हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आज मैं सोचा कि चलिए आज आप लोगों के साथ कुछ अलग बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लेती हूँ मैं। और मैंने सुबह के 8 बज रहे हैं, तो मैंने आज से अभी से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह से ही। और मैं अभी जा रही हूँ मंदिर पूजा करने। अपने घर में ही पूजा करती हूँ, तो मैं जा रही थी अपने मंदिर में। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर, और उसके बाद ही मेरा सब। मैंने सुबह ही शावर ले लिया था, 7 बजे ही मैं ले लेती हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं 7 बजे ही अपना पूरा तैयार वगैरह हो जाती हूँ, और सब कुछ हो जाता है मेरा काम सुबह में ही। तो फटाफट से देख लेते हैं। और ये सभी अभी कुछ सब कुछ ऐसे ही मैस पड़ा हुआ है, तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी सुबह सुबह मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही ये सारे चीज़ें मैं शुरू करती हूँ। तो चलिए फटाफट से मंदिर दिखाती हूँ आपको, और पूजा करते हुए मैं मंदिर दिखाऊंगी आपको और पूजा करूंगी, तो आप ज़रूर उसे देखिए। चलिए फटाफट से देख लेते हैं मंदिर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मंदिर, और आपको शायद फैन की आवाज़ आ रही है, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको अपना मंदिर। और फ्रेंड्स, मेरा मंदिर अलग से बना हुआ है, मेरे घर में ही है, बट उसके लिए अलग से एक छोटा सा रूम जैसा बना है, फिर हम लोगों ने मंदिर बना रखा है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए मंदिर है ये मेरा, और यहाँ पर हम लोग पूजा वगैरह करते हैं। और ये देखिए हम लोग कितना बड़ा मंदिर है, और आपको ये आवाज़ आ रही है तो ये फैन की आवाज़ है। ये देखिए सब कुछ इस तरह से रखा हुआ है हमारे यहाँ मंदिर में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा से रखा रहता है, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। तो इसी तरह से हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ ऐसे ही पूजा करती है अच्छे से, तो वही पूजा करती है, बट वो अभी नहीं है तो मैं कर रही हूँ पूजा। और ये देखिए मैं हमारा बाहर से किस तरह का है वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए बहुत ही अच्छा मंदिर है बनाया रखा है हम लोगों ने, और अंदर से ही मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बस रूम अंदर आते हैं इस तरह से, ये गेट है, और गेट के इधर पे एक अलमारी बनी हुई है, उधर पे ये दुर्गा माँ की मूर्ति रखी हुई है, फोटो रखी हुई है एक्चुअली, और ये लक्ष्मी गणेश रखे हुए हैं दिवाली वाले, तो अभी इनको नहीं हटाते हैं हम लोग। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, हम लोग जब दिवाली आएगी उस समय हम लोग ये सब चीज़ें विसर्जित करते हैं, दोनों ही मूर्तियां। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है, मैं अपने मंदिर से आ गई हूँ पूजा करके, और मैंने ऐसे टाइन अप कर लिए हैं बालों को। और फ्रेंड्स, मैं अभी लंच बनाने जा रही हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मेरे हस्बैंड ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, और वो ऑफिस के लिए निकल गए हैं, और मैं अब लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और मैं आज बनाने जा रही हूँ स्पिनिच, यानी कि पालक पालक आलू बनाऊंगी मैं। मैं सिर्फ सिंपल वे में बना रही हूँ, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको बनने में, बस सिर्फ उसको धोने काटने में ही टाइम लगता है। तो मैं धो चुकी हूँ और बस मुझे अभी बनाना है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं और बनाते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी बना सकते हो। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना तो बनता ही है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग मेरे चैनल को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी लिप बाम ही लगाया है, वो भी
सिंपल वाला, कलर वाला मैंने नहीं लगाया है। एक्चुअली क्या है कि सुबह सुबह मैं सिर्फ नहाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, तो इतना ज़्यादा ऐसे तैयार नहीं होती हूँ, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल सिंपल है मेरा, मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाया था और ऐसे कुछ भी नहीं है, और बस सिंपल सी चीज़ें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देख लेते हैं कि मैं किस तरह बनाती हूँ पालक को। और मैंने दाल दाल भी बॉईल कर ली है, सॉरी दाल दाल बोल रही थी, मैंने दाल बॉईल कर ली है और मैं उसमें तड़का भी दूंगी, तो भी मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं किस तरह से तड़का देती हूँ। और मैं पालक बनाने जा रही थी, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि मैं पालक किस तरह बनाती हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा इसका टेस्ट। और बहुत ही सिंपल होता है ये बनाना, और क्या है कि अब जो वैसे बनाते हैं ना मसाले वाली पालक बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाले की वजह से, और समर्स में ना सिंपल, जितना सिंपल खाना खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, लंच हो या डिनर हो। तो मैं सिंपल ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि सिंपल ही मैं लंच प्रिपेयर करूँ। तो फटाफट से देख लेते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, इंडक्शन पर ही बना रही हूँ मैं, तो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अभी थोड़ा सा हो जाए गर्म तो फिर मैं उसमें डाल दूँगी लहसुन, गार्लिक डाल दूंगी मैं, मैंने मैं छोटा छोटा काट के रखा था तो वही मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, जब ये लाल हो जाएगा फिर मैं उसके बाद ही मिर्च डाल दूंगी। मिर्च जो कि ग्रीन चिली मैंने ली है, तो ग्रीन चिली मैंने 6 ली है, बस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, तो मैंने 6 ही ली है और मैंने इनको वॉश कर लिया है, तो ये अभी हो रहा है। इंडक्शन पे बहुत अच्छे से बन जाता है, गर्म भी नहीं लगता है और बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। लंच लंच हो डिनर हो कुछ भी बना सकते हैं आप। एजेस आपको दिख रहा हो, ये देखिए लाल होने लग गया है। तो मैं अब ग्रीन चिली डाल दूंगी। पालक आलू मैंने काट के रखा था, वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सारा ऐड कर दूंगी और इसमें नमक और सिर्फ हल्दी मुझे डालनी है, दैट्स इट, बस इतना ही मैं इसमें ऐड करूंगी और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं डालूंगी मैं। और इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। एक रह गई थी मिर्च, अब डालूंगी मैं टर्मरिक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, मैंने तो कम ही डाला है। और थोड़ा सा स्पिनच में, मतलब पालक में थोड़ा सा नमक, नमकीन नमकीन सा होता है, तो मैं आप देख के डालिएगा, मैं तो हल्का ही डालती हूँ, अगर कम होता है तो बाद में ऐड कर लेती हूँ।
अब मैं इसको ढक देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैंने अपना मैं सब्जी बना ली है, पालक बना लिया है मैंने, और अब मैं दाल को बॉईल कर रही हूँ, सॉरी तड़का दे रही हूँ। तो मैं सबसे पहले इसमें ज़ीरा डालूँगी, क्यूमिन सीड्स डाल रही हूँ, ये तब तड़क जाएगा, थोड़ा सा रेड हो जाए तब मैं इसमें गार्लिक डाल दूँगी। रेड हो गया है, तो मैंने अनियन भी डाल दिया है और हरी मिर्च भी डाल दी है। अब ये थोड़ा जब रेड रेड सा हो जाएगा उसके बाद ही मैं टमाटो ऐड करूंगी, और मेरे पास हींग नहीं है तो मैं हींग को नहीं डाल रही हूँ, बट तो मैं हींग में ज़रूर डालती हूँ, नहीं तो अरहर की दाल में मुझे हींग अच्छा लगता है। तो अभी ये रेड रेड हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा रेड हो गया है, बट ये रेड नहीं हुआ है, ये देखिए इसमें दिख रहा है कैमरे में कि बहुत रेड हो गया है। अब मैं डाल दी हूँ टमाटर, डाल दिया है मैंने, टमाटो से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सर, तो आप लोग अगर टमाटो नहीं डालते हैं तो टमाटो ज़रूर डालिए, अच्छा लगता है, और थोड़ा सा स्लो कुक पे इसको ढक के रख दीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि मैंने इसका लिड लगा दिया है, तो मैं कुकर का लिड हटाकर देखती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से टमाटो बिल्कुल पक चुका है अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा इसको तेज कर रही हूँ इंडक्शन को, और अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। तो तड़का लग चुका है और मैंने बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स मेरा लंच रेडी हो गया है, और अब मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी, थोड़ा सा सब कुछ झाड़ना है मुझे, मेरा जितना भी फर्नीचर वगैरह होता है वो सब झाड़ दूँगी मैं, और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि अभी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा गंदा सा हो जाता है। और मैंने क्लीनिंग पूरी कर ली है, फर्स्ट क्लीनिंग हो चुका है मेरा, तो मैं बीच बीच में सब करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ वहाँ से सब, एक काम में नहीं हाथ देती हूँ मैं, सब काम एक साथ ही करती हूँ, तो मेरा काम भी जल्दी हो जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है सब काम साथ साथ में करना। और मैं अकेली होती हूँ तब मैं बहुत जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे करना है तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो वैसे भी मैं अकेले ही काम करती हूँ, सभी काम कर लेती हूँ, और अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूँगी। और मेरा लंच प्रिपेयर हो चुका है, और अभी यही बजा है 10:30, 10:30 नहीं एक्चुअली 11:45 हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी, और शायद मैं आज बाहर भी जाऊँ, पता नहीं मुझे आज मैं बाहर जाऊँगी या नहीं। और मैंने लिप बाम लगा लिया है अपने फेस पर, सॉरी फेस पर नहीं, लिप्स पर लगा ली हूँ मैं लिप बाम,
और मैंने देखिए मैंने आईब्रो भी कुछ भी सेट मतलब कुछ भी मैंने आईब्रो नहीं लगाया, आईब्रो पेंसिल नहीं लगाई हूँ मैं, और सिर्फ इसी तरह से ही मैं रोज तैयार होती हूँ। 1 मिनट, कोई आ गया है। तो फ्रेंड्स मेरा दूध वाला आ गया था, तो मैंने दूध लेकर रख दिया है और मेरा काम कंप्लीट हो गया है। बस अब क्लीनिंग रह गई है। मैंने बताया था जैसे कि मेरी क्लीनिंग थोड़ी सी रह गई है, बस वो मैं कर ले रही हूँ। फर्नीचर वगैरह को क्लीन करना है मुझे कॉलिंग के साथ, तो अब मैं वही करूँगी और फिर मेरा सारा काम कंप्लीट है। और बस लंच की तैयारी मैंने पूरी कर ली है। एक्चुअली बस राइस बनाना है और रोटियाँ बनानी है, तो मैं फटाफट से अभी बना लूँगी। थोड़ा अभी तो टाइम है बहुत, तो मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालती हूँ, मतलब निकाल ही लेती हूँ, इतनी जल्दी जल्दी काम करती हूँ कि मतलब मुझे टाइम मिल जाए, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह भी बहुत सारी करनी होती है। तो मैं एडिटिंग वगैरह करने के बाद मुझे जब टाइम मिलता है, क्योंकि मुझे मेरे पेंडिंग पड़े रहते हैं 2-3 वीडियोज़, तो मैं रोज़ ही एडिटिंग करती हूँ। और जब एडिटिंग वगैरह हो जाती है, तब मैं सोचती हूँ कि हाँ अब मेरा काम कंप्लीट है। तो मैं 2-3 दिन के लिए सारे वीडियोस बनाकर और कंप्लीट करके रखती हूँ, सब सब कुछ कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं पब्लिश करने के बस टाइम रहता है कि पब्लिश करना है, तो बस पब्लिश कर लेती हूँ। और मैंने बाल ऐसे ही बांध रखे हैं, इसी तरह से क्लेचर लगा रखा है मैंने। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, थोड़ा सा कुछ मतलब फर्स्ट ब्लॉग है, तो कुछ चीज़ को मैंने कुछ गलत कहा हो या कुछ कुछ गलती हो गई है, तो मुझे उसके लिए सॉरी। और आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं और किस तरह के ब्लॉग आप देखना चाहते हो। मैं अभी थोड़ा मैंने आपको बता रखा है कि शायद मैं आज बाहर जाऊं, लेकिन पता नहीं, अभी मेरे हस्बैंड बताएंगे तो शाम को ही पता चलेगा ये तो मुझे कि आज मैं बाहर जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, बट देखती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे फिर बात करती हूँ। और मुझे मेरा टाइम भी हो रहा है, तो क्लीनिंग करने के बाद मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी है। और मैंने एडिटिंग वगैरह सब अपने हस्बैंड से ही सीखी है, मैंने उन्होंने ही मुझे सिखा दिया है। और मैं वो देख करते थे, तो मैंने देखते देखते सब धीरे धीरे जब वो करते हैं तो मैं सीखती रही, देखती रही, तो मुझे भी आ गई है। अब तो कर लेती हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे हस्बैंड मुझे मेरे साथ रहते हैं, तो मैं उनकी कंपनी में मुझे सब कुछ ये सब सारी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड सब कुछ आने लग गया है, तो मुझे मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। और मुझे पहले कंप्यूटर तो कुछ भी नहीं आता था, मुझे ABC कंप्यूटर की मुझे कुछ भी नहीं आता था, बट अब मुझे इतना आने लग गया है कि हाँ सब कुछ कर लेती हूँ। और एडिटिंग क्या होती है, किस तरह से की जाती है, किस पर अच्छी रहेगी, तो मैं आप लोग वैसे ज़्यादातर फिल्मोरा पे ही एडिटिंग वगैरह करते हैं, और कुछ लोग तो काइन मास्टर पे करते हैं, बट मैं फिल्मोरा पे ही करती हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट लगता है उस पर करना, और एडिटिंग अच्छे से हो जाती है उस पर। और मोबाइल पे भी, मोबाइल से भी मैं कर लेती हूँ, अब मैं धीरे धीरे मोबाइल से भी सीख लिया है। तो मोबाइल से मैंने खुद से ही सीखा है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से नहीं सीखा ये तो मैंने ही उनको बोला कि इस तरह से मोबाइल से भी हो जाता है, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, हमने कहा हाँ मोबाइल से भी हो जाएगा, मैं दिखाती हूँ और इस तरह से हो जाता है। तो मैंने उससे ही कभी कभी जैसे मुझे टाइम नहीं होता है, मेरे पास लैपटॉप तो नहीं है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर से ही मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ और फिल्मोरा पे। और जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो फिर मैं मोबाइल से ही एडिटिंग वगैरह कर लूँगी, इसलिए मैं मोबाइल से कर लूँगी। तो इसलिए मोबाइल पे मैंने सीख रखी है कि आराम से कर पाऊँ बाहर जाकर भी और पब्लिश कर पाऊँ। तो चलिए फटाफट से, अब बहुत ज़्यादा बात हो गई है, टाइम हो रहा है, और पता नहीं ये कितना बड़ा वीडियो होगा, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो। तो चलिए फटाफट से मैं करती हूँ।
फ्रेंड्स, मेरी क्लीनिंग हो गई है, मैंने क्लीन कर लिया है अपने सारे रूम में, क्लीनिंग कर ली है मैंने। और फ्रेंड्स, मैंने अब मैं क्लीन करके थोड़ा सा आराम करूँगी, और आराम करने के बाद जब मैं उठूँगी फिर मतलब थोड़ी देर ही बैठूँगी, 10-15 मिनट ही बैठूँगी, क्योंकि मैंने राइस भी कुक होने के लिए रख दिया है और वो भी कुक हो जाएगा, तो मैं उस पर बना रही थी, कुकर में नहीं बना रही हूँ, एक्चुअली मैं भगोने में बना रही हूँ। थोड़ा सा ही राइस बनाना है तो मैं भगोने में ही बना ले रही हूँ। और देखिए मेरा फेस, और मैंने बस अपना फेस को सिर्फ पानी से वेट कर लिया था, मतलब फेस को वॉश कर लिया पानी से, और फिर मैंने बस आईब्रो फिल किया है और कॉम्पैक्ट लगाया है सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैं पहले ही सुबह में ही क्रीम वगैरह लगा ली थी और उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चर और लगा लिया, लेकिन बस इतना ही, और तो कुछ भी मैंने एडजस्ट कुछ भी नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही तैयार होती हूँ पूरे समय, दिन में भी ऐसे ही रहती हूँ, पूरा डे मेरा ऐसे ही जाता है। और फ्रेंड्स देख लीजिए, मैं कुछ भी आइस पे भी कुछ भी नहीं अप्लाई की हूँ, और ना मैंने काजल लगा रखा है, बट मैं सिंपल हूँ और सिंपल ही मुझे रहना अच्छा लगता है, और तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स। और बस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, मैंने राइस को स्लो आंच पर रखा है, और जैसे ही वो हो जाएगा तो देख लूँगी मैं, और अभी 10 से 15 मिनट्स में अभी वेट कर रही हूँ, और फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल करूँगी तो वो आ जाएंगे, तब मैं उनको भी आपसे मिलाऊंगी। और देखते हैं फ्रेंड्स, और मेरे बाल देखिए ऐसे बंधे हुए थे तो किस तरह से हो जाते हैं। तो आज मेरा मन था कि आप लोगों के साथ ऐसे ही ब्लॉग बना लूं, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूंगी और भी ब्लॉग्स बनाऊंगी आप लोगों के साथ, और आप लोगों के जुड़े रहिए मेरे साथ, और अच्छे लगे तो मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, और अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं और ब्लॉग बनाऊं या नहीं बनाऊं, या फिर आपको ब्यूटी से रिलेटेड, वो तो मैं बनाऊंगी ही, ब्यूटी वाले मतलब जो भी मुझे रिव्यू वगैरह करना है वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं कुछ अलग तरीके का, बहुत ब्यूटी से मतलब हर चीज़ जो बता चुकी हूँ, और मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रही थी, तो मैंने चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आपको कि मेरा फेस इतना बड़ा नहीं है, बट पता नहीं इसमें क्यों मेरा फेस इतना बड़ा सा दिखता है, और मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ लेकिन इसमें नहीं दिखती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं दिखती हूँ, बट मैं बहुत दुबली पतली हूँ और मेरा फेस यहाँ से इतना ऐसा है, लेकिन ठीक है, नहीं दिखता तो नहीं दिखता, जो है तो है, बस यही होता है, मतलब कोई जो नहीं होता है तो वो दिखता है, लेकिन जो नहीं होते हैं तो वो नहीं दिखते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, तो कैमरे पर डिपेंड करता है, ये अपने ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा यही है कि आज कुछ अलग करने का मन कर रहा था, तो और तो कुछ नहीं, और बस अभी आराम करूँगी लंच करने के बाद, और फिर थोड़ा उठूँगी शाम को तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में कुछ बना लूँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ आज, और जब बनाऊंगी तो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट करेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने मतलब डेली रूटीन, मैंने सोचा कि चलिए यूट्यूब में ये सब काम करते करते मैं और क्या क्या करती हूँ ये भी आप लोग को दिखा ही देती हूँ, मैं अपना दिन मतलब कैसे स्टार्ट करती हूँ और क्या क्या करती हूँ अपने दिन में। तो मैं बस ऐसे ही एक बैंगल डालती हूँ, ये गोल्ड की है और ये ऐसे कांच वाली है, तो यही मैं पहनती हूँ, और मेरी इसकी टूट गई है तो मैं ये नहीं पहनी हूँ, बट डाल लूँगी, समय टाइम नहीं मिलता मुझे तो नहीं डाल पाई मैं, बट डाल लूँगी। देखिए मेरे बाल कितने शाइनी एंड ग्लॉसी नज़र आ रहे हैं। आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है ना हेयर स्पा वाला, और जो मैंने कोकोनट से किया था, 30 रुपीज़ आप डालेंगे, 30 रुपीज़ में वो बिल्कुल ही सिंपल
इजी वे में हो जाता है, और मैंने वो नारियल के साथ किया था। तो आप लोग चाहते हो कि आप लोग को इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे साथ शेयर, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप मुझे कमेंट करिएगा। तो और मैंने अभी एक वो भी बनाया था कि मेकअप फिक्सर बहुत अच्छा होता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और मैंने अभी अभी रिसेंटली ही अभी एक वीडियो अपलोड किया है, वो है आई शेडो पैलेट के ऊपर। अगर आप आई शेडो पैलेट यूज़ करना चाहते हैं तो आई शेडो पैलेट भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर फटाफट से अभी मैं देख कर आती हूँ अपने राइस को कि कुक हुआ या नहीं, फिर मैं आपसे बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड आ गए हैं और हम लोग अब लंच करेंगे, तो मिलवा देती हूँ मैं आप लोगों को। और आज मेरा थोड़ा मूड अपसेट है तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, मैं आज ज़्यादा बात नहीं की है, बट ठीक है, होता है कभी कभी ऐसा। तो चलिए इनको हाई करो। हाय, शी इज़ माई लवली वाइफ। आज मैंने सुबह से इनका मूड अपसेट कर रखा है। हाँ, सही में मेरे मूड अपसेट किया है ये। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने मूड क्यों अपसेट किया है इनका, ठीक हाँ, है? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके कमेंट बताइए, जरूर करिएगा, तभी तो पता तभी पता चलेगा। लगेगा ना कि आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं, क्या कि मैंने सोचना। कैसे मूड अपसेट किया है हाँ, कैसे मूड अपसेट हुआ इनका और मैंने किस तरह से इनका मूड अपसेट किया, और कैसे किस तरह मनाया। और कैसे मैंने बनाया, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, लेकिन कमेंट करिएगा जरूर, और दूसरे ठीक है? ब्लॉग में पाएंगे। और बाकी का जो है, जब आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं जब दूसरा ब्लॉग बनेगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने इनको कैसे मनाया, ठीक अभी है? तो माने, अभी कहाँ माने हैं, कैसे मनाया माने ये देखिए, मान नहीं है ये नहीं, नहीं। माने नहीं है अभी हम। अरे वो मानी तो है। वीडियो के लिए हंसना पड़ता है ना थोड़ा अच्छा, सा। वीडियो के लिए हंसना पड़ता है। हाँ, अच्छा 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 क्या, अच्छा चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं, चलिए फिर अभी लंच आपसे कर बात रहे हैं करते क्योंकि हैं। ऑफिस में मुझे बहुत काम है। और मेरा ऑफिस, शायद थोड़ी आवाज स्लो आ रही हो इनकी, क्योंकि अभी इनको बोलने का थोड़ा स्लो अच्छा स्लो बोल रहे हैं, मैं थोड़ा लाउड हो गई हूँ, थोड़ा सा बोलने लग क्योंकि गई मूड हूँ। अपसेट है ना, इसलिए ये लाउड लाउड है और मेरी वजह से मूड अपसेट है, तो शायद मेरी आवाज़ थोड़ी दब गई है, ये अक्सर होता है। कहते हैं ना, एक कहावत है कि नर से भारी नारी, क्यों? क्योंकि नारी पे एक एक्स्ट्रा ई की मात्रा होती अरे है, तो इसीलिए इनसे थोड़ा दबके रहना पड़ता है भाई, क्योंकि ये रानी है, रानी है, रानी ये नारी है और मेरी रानी है, लेकिन अभी मूड अपसेट है। चलिए फटाफट से लंच कर लेते हैं, चलिए ओके, फिर बाय मिलते बाय हैं। बाय बाय बाय, कमेंट जरूर। फ्रेंड्स हेलो, और अब हो गई है शाम और अभी टाइम है, लेकिन मैं लंच के बाद से आपसे बात नहीं कर पाई क्योंकि मैंने लंच किया, मुझे मैंने रात में भी मैं नहीं सोई थी, पूरी रात जागी हूँ। और दिन में अगर मैं लंच के बाद नहीं सोती तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, इसलिए मैं थोड़ा सा सो गई थी और अभी अभी थोड़ा अभी उठी हूँ, 6:15 नहीं 6:30, 5:30 बजे मैं उठ गई थी एक्चुअली। और इससे ज़्यादा मैं और लेंदी नहीं बना रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि मेरा मूड वैसे भी कल से ही ख़राब था, क्योंकि मेरा बेटा जा रहा था अपने दादा दादी के साथ बाहर, तो मेरा मूड ख़राब था और इस वजह से, और थोड़ा मेरे हस्बैंड की वजह से भी ख़राब था, उन्होंने बताया था आपको। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता ही रहता है। और मेरे बेटे को जाना था तो वो गया है घूमने के लिए, अपनी बुआ के यहाँ गया है, तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट था, बट ठीक है भाई चला गया तो कोई बात नहीं, अब कुछ दिन रुक कर ही आएगा वो वहाँ पर, और फिर मैं आप लोगों से उसको ज़रूर मिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है और अच्छा लगता है मेरा वीडियोस, मेरे वीडियोस आप देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, लाइक करना तो बनता ही है फ्रेंड्स, लाइक नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, हम लोगों को अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और तो कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। और शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो ये बिल्कुल फ्री होते हैं,
लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, तो बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी और तो वो आपके पास पहुँच जाएगा और आप उसको भी देख पाएंगे। अभी मैं कुछ दिन तक ब्लॉग ही करूँगी, एक्चुअली मैं बाहर जाने वाली थी बट नहीं पॉसिबल हो पा रहा, नहीं जा रहे हैं हम लोग, तो इसलिए मैं अभी एंड कर रही हूँ इस वीडियो को। चलिए कोई बात नहीं, और मैंने अभी अभी उठकर ही आप लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं अरे एंड तो कर कुछ बोल तो पाई नहीं जब से लंच किया है और अभी बहुत टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा फेस एकदम शाइनिंग ग्लोस ग्लो ग्लो नज़र आता है मेरे फेस पर हमेशा, तो क्योंकि मैं जैसे आप मेरा रूटीन आपने देखा ही है, आप वीडियोस देखते हो मेरे, तो उसी तरह मैं करती हूँ सब कुछ, और तो जिस कुछ भी नहीं करती हूँ, सिंपल ही रहती हूँ। आप लोगों ने देख लिया है मैंने सिर्फ लोटस का जो मैं क्रीम लगाती हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं सिर्फ वही लगाती हूँ, लोटस की क्रीम लगाती हूँ मैं, हर्बल होती है तो उसके साथ ही सनस्क्रीन भी होता है तो वही मैं यूज़ करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है वीडियो, अभी मैं बाय फिर मिलूँगी आपसे, अब तब तक के लिए बाय, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर भी कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।